हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सई देशपांडे एंड आई एम फ्रॉम पुणे। तो पहली बार मैं नर्मदा ले मध्य प्रदेश में 2019 में ज्ञान सेतु की तरफ से जाकर आई थी और वो मेरा एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद भी मैं दो बार नर्मदा ले जाकर आई। तो मुझे ज्ञान सेतु की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है, जो हम पहली बार जाते हैं तो हमें जो एक पुल की ज़रूरत होती है, जैसे उसके नाम में सेतु की जो एक ज़रूरत होती है जिससे हमें बहुत मदद मिलती है, तो वो सेतु बनाने का काम ज्ञान सेतु करती है। तो जब मैं पहली बार जाने वाली थी तो मेरी 11th की छुट्टियां चल रही थी और जैसे हम सबका आजकल एक जो प्रॉब्लम होता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग प्रॉब्लम, तो मेरा भी था। मुझे तो पहले जाना नहीं था कि मैंने जाने का डिसीजन लिया और मुझे लगता है कि वो मेरा बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा। तो जाते वक्त हमें वहाँ के बच्चों के लिए जो हमें एक्सपेरिमेंट्स लेने थे या गाने लेने थे, गेम्स लेने थे, उसके लिए किट दिया गया था ज्ञान सेतु की तरफ से और जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा मदद हुई। हमारा पहले एक डेमो प्रोग्राम भी हुआ था, तो उस टाइम मैंने क्या सोचा था कि वहाँ के बच्चों के लिए हम कुछ तो देने के लिए लेकर जा रहे हैं या कुछ तो सिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने क्या सोचा कि मैं बहुत कुछ सीख कर आ रही थी, मैं बहुत कुछ लेकर आ रही थी मेरे साथ। तो मुझे लगता है ये बहुत ही कमाल की फीलिंग होती है जो हम सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। वहाँ के बच्चे तो बहुत ही टैलेंटेड थे, एक अलग सा कनेक्शन बन जाता। दूसरी बड़ी बात इस सफ़र में मुझे यही लगी कि जैसे हम नॉर्मली घूमने के लिए जाते हैं तो हमें तो ये जगह मालूम होती है, जैसे MP है, यहाँ पे इंदौर है या नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ की फेमस जगह के बारे में तो हमें मालूम होता है। लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता कि लेफा जैसे छोटे से गाँव में भारती दीदी, दिग्विजय भैया और ये सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर नर्मदालय को बनाया, यहाँ पर क्या काम चलता है, ये तो हमें मालूम है। तो ये काम मुझे लगता है ज्ञान सेतु की मदद से हमें मालूम पड़ता है। दूसरी बड़ी बात मुझे ज्ञान सेतु में यही लगी कि जैसे हम आजकल इतना एक्सप्लोर नहीं करते, जैसे हमारा एक कंफर्ट जोन एक बना रहता है, उससे तोड़कर उससे बाहर निकलकर जो एक एक्सप्लोर करने की जो एक अपॉर्चुनिटी है वो हमें ज्ञान सेतु से मिलती है। तो मुझे अभी यही लगता है कि अभी एक या दो साल में शायद ये कोरोना वगैरह सब खत्म होगा, तो आप भी सभी ज्ञान सेतु में एनरोल करिएगा और ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पे एक्सप्लोर करिएगा। थैंक यू।